नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर खड़ा हो युवा अक्सर अपने कॉलेज में राजनीति का कखहरा सीखता है। वक्त गवाह है कि यही कखहरा और ABCD सीखकर कई सियासी दिग्गजों ने राजनीति के आसमान पर गहरी छाप छोड़ी है और युवाओं को एक ख्वाब दिया है, एक रास्ता दिया है, जिस पर चलकर वो किसी महाविद्यालय के स्टूडेंट स्कूल चैम्बर तक ही नहीं बल्कि संसद के गलियारों तक भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। लिहाजा छात्र संघ चुनाव को राजनीति की प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छात्र राजनीति और छात्र चुनाव के इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली जी। जितेंद्र जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं दर्शकों को श्रीमाली जी से रूबरू करवाना चाहूँगा। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 1994 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही आप राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। श्रीमाली जी, आप स्वयं छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपने छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है। आपको क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव किस तरह से लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है? देखिए योगेंद्र जी, कि छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इस लोकतंत्र के को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र में जीवंतता लाने के लिए, और लोकतंत्र में अच्छे लोगों का लगातार आना ये इस चुनाव से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और पूरे आप परिदृश्य को देखेंगे तो चीन के अंदर साम्यवाद के खिलाफ आंदोलन हो और से लेकर के आज भी हम देख रहे हैं हांगकांग के अंदर किस प्रकार से छात्रों ने नेतृत्व करके प्रशासन के को ये दिखा दिया है कि छात्रों की एक ताकत होती है। और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो असम गण परिषद का आंदोलन हो आसाम के अंदर, और चाहे JP आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, हमने देखा है कि सत्ता को बदलने का जो काम किया है वो छात्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम ये देखते हैं लगातार कि इस राजनीति के अंदर, चाहे भाजपा के अंदर हो, चाहे कांग्रेस के अंदर हो, और विभिन्न दलों के अंदर जो नेतृत्व उभर के आता है वो छात्र राजनीति के माध्यम से ही, इस लोकतंत्र के छात्र राजनीति के माध्यम से उभर के आता है। हमने देखा है सुषमा स्वराज का उदाहरण हमारे सामने है, अरुण जेटली का उदाहरण हमारे सामने है, और चाहे राजस्थान के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, उनका उदाहरण हमने देखा है। हमने देखा है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत रहे हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और आज केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री है। तो इस प्रकार से, और कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार में, दोनों में ही कैबिनेट के अंदर हमेशा जब जब सरकार रही है तो 3-4 लोग कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान के विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र नेता रहे हैं और वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर छात्र नेतृत्व का बहुत महत्व है और छात्र राजनीति के माध्यम से ही इस पहली सीढ़ी के रूप के अंदर ये उभर के आता है। और यहीं से व्यक्ति सीखता है कि छात्रों के बीच में रह करके और आगे जा करके जनता के बीच में रह करके हम किस प्रकार से काम करें। हमने देखा आज जिस प्रकार के चुनाव होते हैं, पहले के जो चुनाव होते थे उस समय से लगातार परिपाटी चली आ रही है कि छात्रों की समस्याओं के लिए घर घर जाना, और वहाँ जब छात्र एडमिशन लेने आता है तब से उनकी समस्याओं को से रूबरू होकर के और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए लगातार छात्र हितों के लिए जिस प्रकार से एक आंदोलन चलता रहता है और एक मन के अंदर एक भावना रहती है, वो ही आगे चल के और इस देश को नेतृत्व प्रदान करते हैं। श्रीमाली जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बहुत से छात्र नेता आगे चलकर विभिन्न बड़े दलों में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीतिक में आने की पहली सीढ़ी बन गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि छात्र संघ चुनाव राजनीति में आने की पहली सीढ़ी है, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पहली सीढ़ी तो है पर जो राजनीति में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने का जज्बा भी उन छात्र नेताओं के अंदर होना चाहिए। और हमने उसको देखा भी है, प्रैक्टिकल के अंदर भी देखा है कि बहुत सारे परिप्रेक्ष्य के अंदर आपने देखा सुषमा स्वराज छात्र राजनीति के माध्यम से उभर के आई, वो एक देश की राजनीति के अंदर एक अलग चेहरा रहा है। अरुण जेटली को भी हमने देखा है तो एक पूरे परिदृश्य के अंदर एक अलग चेहरा रहा है। तो छात्र राजनीति के माध्यम से जो आने वाले छात्र नेता हैं वो आगे चल के अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी शुचिता रखते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी एक उनकी अलग पहचान होती है, जो कि प्रारंभ से ही उनको संस्कार के रूप के अंदर विश्वविद्यालय और कॉलेज की राजनीति करते हुए वो सीखते हैं। जितेंद्र जी, क्या छात्र राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सम्मान का प्रश्न रह गया है, या फिर छात्रों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में भी छात्र नेताओं की दिलचस्पी रहती है? क्या लगता है आपको इस बारे? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें।
जहाँ छात्रों के जो समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं होती है उनके प्रति भी जागरूक रहते हैं, परंतु साथ में जो आज का छात्र नेता है और आज का जो छात्र भी है वो भी ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति केवल स्थानीय कुछ समोसे का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, कैंटीन के अंदर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए नीचे, इससे ऊपर उठ करके और इस देश और प्रदेश के बारे में भी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी विचार रखता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब, अब तो खैर बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटा दिया, वरना मुझे याद है कि 1994 से लेकर 1994 तक हमने आंदोलन चलाया और 370 को हटाने के लिए हम उधमपुर के अंदर में कम से कम 12-15 दिन तक बंद रहे जेल में, तो वो भी आंदोलन किया हमने। यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र के ऊपर यहाँ पर उस जो गिरफ्तारियां हुई थी लाल चौक में, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र के बाहर हमारा प्रदर्शन हुआ और परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर कम से कम 25-30 लोगों को 15 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद रहना पड़ा। तो उस 370 की समस्या को लेकर के हमने आंदोलन चलाया, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि को लेकर के हमने आंदोलन चलाया और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना। तो मेरा ये कहना है कि आज जो छात्र नेता है वो छात्र नेता केवल स्थानीय जो छोटी बातें होती है, छोटे मुद्दे होते हैं, उनके प्रति सचेत रहे, पर उनके साथ साथ जो प्रदेश की और देश की जो समस्याएं हैं, देश के अंदर चलने वाले जो ज्वलंत विषय हैं उनके प्रति भी जागरूक रहे, तो वो उसी प्रकार का एक दृश्य देखता है। आज हम देखते हैं कि देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आज छात्र देख रहा, आज मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर आज मैंने सुबह घूम रहा था तो मैंने इस देश को देखा, इस चीज को महसूस किया कि 370 वाला जो विषय चल रहा है पूरे देश के अंदर, उसमें कांग्रेस की किस प्रकार की भूमिका रही है और उनके जो सहयोगी जो उनका जो छात्र संगठन है उन्होंने किस प्रकार से वो भूमिका वो अदा कर रहे हैं, उसको लेकर के छात्रों के अंदर ही एक अलग अलग मत देखे गए जी। जो पूरी तरह से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनका एक अलग विषय होता है, परंतु एनएसयूआई से जुड़ने के बावजूद उनके मन के अंदर ये भावना रहती है कि नहीं, 370 हटाया है हमको, संगठन से, संगठन की विचारधारा से, संगठन की सीमा से ऊपर उठ करके हमको ये विचार करना पड़ेगा कि वह देश के हित में यह है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये चाहते हैं कि 370 35 को हटाया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो ज्वलंत विषय है योगेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि, और देख रहे हैं हम, और ऐसा होता ही है कि प्रदेश और देश की जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, छात्र नेता को जागरूक रहना चाहिए, तभी वो अपने इस धर्म की पालना कर सकता है। जितेंद्र जी, छात्र संघ चुनावों पर बीच में एक बार रोक लग गई थी लेकिन बाद में इन्हें फिर से शुरू किया गया, क्या बदलाव नजर आते हैं आपको पहले और वर्तमान के चुनावों में, क्योंकि आप पहले उस दौर में चुनाव जीत चुके हैं जिस दौर में चुनाव बड़े सादगीपूर्ण तरीके से होते थे और आज चुनाव बड़े बदल गए हैं, हाईटेक हो गए हैं, क्या बदलाव दिखता है आपको इस बीच में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले जो चुनाव होते थे उसमें खर्चा होता था पर आज के जितना नहीं होता था, परंतु ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें छात्रों को, छात्र नेताओं को झूठ बोलने की बुनियादी चीज सिखाई जा रही है। लिंग दो कमेटी के आने के बाद में कि जिस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए जो कि वास्तव में प्रैक्टिकल है नहीं जी। क्यों नहीं प्रैक्टिकल है? ये 5,000 रुपए के अंदर चुनाव लड़ने की उसमें बाध्यता है जी। और 1,500 रुपए फॉर्म जमा होते समय जमा होते हैं, यानी बचे 3,500 रुपए। 3,500 रुपए के अंदर कोई छात्र नेता चुनाव लड़ लेगा ये एक बेमानी लगता है, एक मजाक सी लगती है, परंतु चल रहा है और वो कागज के ऊपर फॉर्मल हिसाब बना करके देते हैं जबकि व्यवहारिक तौर के ऊपर यह दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ये बात सही है कि खर्चे पर रोक लगनी चाहिए, निश्चित तौर पे लगनी चाहिए, परंतु इतना झूठ भी नहीं चलना चाहिए जो व्यवहारिक नहीं हो। और इसी प्रकार से दूसरी बात, जैसे लिंग दो कमेटी के अंदर कहा है कि साहब कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है जी, कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता जी। अब आप बताइए कि प्रैक्टिकल के अंदर अगर व्यक्ति छात्र नेता है और प्रशासन के द्वारा उस कोई बात को लेकर के आंदोलन किया जाएगा तो किसी ना किसी प्रकार का पुलिस मुकदमा लगाती है, और वो मुकदमा अगर यदि वो नहीं होगा, अगर वो प्रशासन के खिलाफत नहीं करेगा तो फिर वो छात्र नेता किस बात का है? फिर तो वो प्रशासन का पिछलकू बन के रह गया। मेरे को याद है मुझ जैसे सब संगठनों के जो भी उस समय के, चाहे प्रताप सिंह खचरेवास हो, अखिल जी शुक्ला हो, प्रणंदर शर्मा हो, सतीश जी पुनिया हो, ऐसे मेरे हमारे साथ के जो अनेक छात्र नेता हैं, हम सबके ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमे थे जो हमने कई 4-5 साल पहले तक हमने उसको फिर निपटाया, तो परंतु वो सारे एक भी मुकदमा ऐसा नहीं था जो कि मारपीट, चोरी, चकारी, ये जो इस प्रकार के नैतिक अपराध जो होते हैं उस प्रकार से जुड़े हुए ऐसे अपराध हो, ऐसा नहीं होता था।
वो सारे मुकदमे, सारे के सारे मुकदमे ऐसे होते थे जो छात्र आंदोलन करते हुए हमारे ऊपर लगे जी। तो इसलिए तो लिंगदो कमेटी की जो आजकल की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को इतना व्यवहारिक होना चाहिए कि वो वास्तव में उनको हो तो सके, पर प्रैक्टिकल पहले जो होता था, पहले प्रशासन के और छात्र नेता उनके बीच में आंखों की इतनी शर्म होती थी कि अगर वाइस चांसलर साहब आ गए तो उनकी आंखों की शर्म इतनी होती थी, उनका उनके प्रति रेस्पेक्ट जिस प्रकार का होता था कि वो व्यक्ति चुप हो जाता था, इस प्रकार का वो एक अपनी सीमा से बढ़ करके वो नहीं कर पाता। परंतु आज हम देखते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जब क्लासेस नहीं लगती है जी। और हमने देखा कि आजकल का जो छात्र संघ है उसका जो पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उसके एक महीने पहले तो वो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करता है। इसका मतलब यह है कि पूरे साल तक उसने क्या किया, कहीं कोई कुछ आता पता नहीं। पिछले 10 साल से लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट लगने के बाद में जो भी छात्र नेता निकल के आ रहे हैं विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अंदर, हम उनके नाम ही नहीं जानते उनको। ये अब 4 साल पहले कौन अध्यक्ष था कोई पता नहीं होता है, यहां तक कि जो छात्र संघ अध्यक्ष है वर्तमान में उसको भी लोग नहीं जानते, उस कॉलेजेस के लोग नहीं जानते, यूनिवर्सिटी के लोग नहीं जानते। उसका एक सीधा सीधा कारण यह है कि लिंगदो कमेटी के माध्यम से छात्र नेतृत्व जिस प्रकार का उभर के आना चाहिए वो नेतृत्व नहीं उभर के आ रहा, केवल और केवल एक ये दिखावटी तौर पर प्रशासनिक काम है चुनाव, इसलिए वो चुनाव करना है 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया को करके 2 दिन चुनाव प्रचार का समय देते हैं। अब ये 2-4 दिन चुनाव प्रचार के अंदर कैसे वो व्यक्ति अपना वो कर परिचय देगा, किस प्रकार से करेगा, और केवल साल भर उसको मिलता है, एक साल के अंदर अगर उसने चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया तो ठीक है, और दोबारा चुनाव फिर नहीं लड़ सकता, वो हारने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये जो चीजें हैं सारी, ये लिंगदो कमेटी के माध्यम से छात्र नेतृत्व उभर के जिस प्रकार का आना चाहिए उस प्रकार का उभर के आ नहीं रहा है। जितेंद्र जी, आपने बात की लिंगदो कमेटी की, तो लिंगदो कमेटी ने छात्र संघ चुनावों को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बाद काफ़ी बदलाव देखने को भी मिला है हमें छात्र संघ चुनाव में, लेकिन क्या अब जरूरत है कि छात्र संघ चुनावों को लेकर एक नई पहल की जानी चाहिए, कोई नई व्यवस्था, नई कमेटी बनानी चाहिए? आपको लगता है इस बारे में कुछ ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा योगेंद्र जी आपने कि वर्तमान छात्र संघ के जो चुनाव हैं लिंगदो कमेटी के बाद में ये चुनाव केवल सिम्बोलिक रह गए हैं, ये 2-3 दिन का चुनाव रह गया है। और इन चुनाव में देखा कि जो चीज़ पहले नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए थी वो आज हो रही है। आप ये देखिए कि आज का चुनाव प्रचार इतना महंगा हो गया है, करीब 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का चुनाव ये हो गया है जी। हालांकि पोस्टर नहीं लगते बड़े, बैनर नहीं लगते बड़े, होल्डिंग्स नहीं लगते जो पहले लगते, परंतु दूसरे प्रकार का खर्चा हो गया है। आजकल कॉलेजेस के अंदर वो जो वोटर्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर डांस रखवाने के कार्यक्रम होने लगे, सोशल मीडिया के ऊपर उनको नेट फ्री में देना, पूरी क्लास को नेट फ्री दे रहे हैं, इस प्रकार के खर्चे हो गए। और ये जो पिक्चर हॉल हैं, पूरा पिक्चर हॉल बुक करा करके वहाँ उनको पिक्चर दिखाने के, इस प्रकार के जो खर्चे हैं जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में या उभर के जिस प्रकार के छात्र नेताओं को आना चाहिए उस प्रकार के नहीं हो रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो जो छात्र नेता हैं जो चुनाव आज संगठन के माध्यम से जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो NSUI हो चाहे ABP हो, वहाँ तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि उन संगठनों के जो पालक कार्यकर्ता होते हैं वो पालक कार्यकर्ता, जैसे हम है, हम पहले विद्यार्थी परिषद में रहे, कार्यकर्ता रहे, आज हम हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई क्या करता है, तो हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के अंदर हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ रहता है, उनको बोलते हैं हम पालक कार्यकर्ता, उनमें सब संगठनों में होता है इस प्रकार का। और वो पालक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा कुछ ना कुछ हर साल संगठन के अंदर देते हैं और उस संगठन के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि वहां तक तो ठीक है, परंतु जो निर्दलीय लोग हैं वो पैसा कहां से ला रहे हैं, उनको कौन पैसा, वो 50-50 लाख रुपए खर्च कहां से कर रहे हैं? तो निश्चित तौर के ऊपर वो इस प्रकार के काम कर रहे होंगे जो कि काम नहीं करने चाहिए, समाज की दृष्टि से वो काम सही नहीं है, और अल्टीमेटली इसका नुकसान समाज को भी होगा और इससे स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं, आज सुबह कम से कम मेरे साथ के अंदर करीब 10-12 हम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो सब एक चैनल के अंदर बैठे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर NSUI के लोग भी थे और ABP के लोग भी थे, सभी तरह के लोग थे। और सबकी ये जो बात मैं कह रहा हूँ, लगभग सब लोगों की मान्यता इस प्रकार की थी कि वर्तमान के छात्र संघ चुनाव को में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और इसीलिए जितने भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि सभी छात्र नेताओं को अपनी सीमाओं से, दलगत सीमाओं से ऊपर उठ करके इस बात पर विचार करना पड़ेगा
कि वर्तमान छात्र संघ चुनाव में जिस प्रकार के बुराइयां आ गई है उनको खत्म करें, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि लिंगदो कमेटी के माध्यम से सब तरह की रेस्ट्रिक्शन तो लग गई जी, परंतु छात्र संघ अध्यक्ष के अधिकार क्या है इसकी कोई चर्चा नहीं है, उसके ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है इसकी कोई चर्चा नहीं है, न कोई चर्चा करता है इस बारे में कि आपके अधिकार क्या है, कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि सिंडिकेट के अंदर जहां पर सभी प्रकार के नियमों के निर्णय होते हैं उस सिंडिकेट का वो मेंबर भी नहीं होता है, सिनेट के अंदर नहीं जा सकता, सिंडिकेट में नहीं जा सकता, जब वो नियम बनाने वाली समिति का मेंबर भी नहीं है तो वो विश्वविद्यालय के अंदर नियमों में कोई गलती है या कोई चीज ऐड करनी है उसको कैसे कर सकता है। वो केवल और ये रह गया, अब छात्र संघ अध्यक्ष बन गया तो उसका एकमात्र कारण ये वो एक ही कार्यक्रम रह जाता है कि या तो वो घूमर कर ले या वो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करा ले किसी बड़े नेता को बुला के, तो वो जिस राजनीतिक दल से विचार रखता है, संबंध रखता है, उस दल के बड़े नेता को बुला करके अपना खुद का करियर बनाने के उद्देश्य से वो एक छात्र संघ उद्घाटन का कार्यक्रम जरूर रख लेता है। उससे मुझे लगता नहीं कि एक लोकतंत्र आने वाले जिस प्रकार से देश के अंदर बड़े बड़े राजनेता दिए उस प्रकार के वर्तमान जो टीम है जो छात्र नेता हैं उनके अंदर से उस प्रकार के नेता उभर के आएंगे, इसमें एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि व्यक्ति निकल के तभी आता है जब उसने संघर्ष किया हो, और संघर्ष नहीं किया है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर उसने अपने जीवन नहीं जिया है, तो वो उभर के एक सफल और कुशल छात्र नेता के रूप के अंदर और बड़े बाद में छात्र राजनीति के अंदर के माध्यम से बड़े राजनेता के रूप के अंदर सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर के हम सब लोगों ने भी यह तय किया है कि आने वाले समय में जितने भी वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर जो छात्र नेता जीत के आते हैं चाहे वो कोई भी दल का हो, उन सब लोगों का एक छात्र संसद के रूप के अंदर एक मीटिंग रखी जाए, और जो पुराने जो छात्र नेता रहे हैं जो विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर पदाधिकारी रहे हैं उन सब लोगों का एक जॉइंट होकर के एक प्रोग्राम हो, और जॉइंट प्रोग्राम होकर के कुछ नियम बने, कुछ बातें बने, कुछ डिमांड्स बने, और हम सरकार के माध्यम से उस चीज को सॉल्व कराने का प्रयत्न करें जी। जितेंद्र जी, पुराने वक्त के छात्र संघ चुनाव में बेहद सादगीपूर्ण तरीके से चुनाव होते थे, जबकि आजकल के चुनाव बहुत हाईटेक तरीके के होने लग गए हैं। साथ ही अक्सर सुनने में आता है कि छात्र संघ चुनाव में, जैसा कि आपने बताया, कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, धन बल का बहुत प्रयोग होता है। आप किस नज़र से देखते हैं इस बात को कि क्या सोशल मीडिया है इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है धीरे धीरे, या छात्रों को इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने लग गया है, क्या नज़र आता है आपको इसमें? देखिए, सोशल मीडिया का तो प्रभाव है ही, पर सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया तो इसका उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है जी। और अब उपयोग किस रूप के अंदर कर पा रहे हैं, मैं आज सुबह टीवी में प्रोग्राम देख रहा था तो अलवर के एक कोई हॉस्टल के अंदर बाहर से जो उनको बुला करके डांस करने वाली बच्चियों को बुला करके डांस करवाया जा रहा था। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां जो चलने लगी है अब जी। और कॉलेजेस के अंदर जिस प्रकार के ये पैसा खर्च करने का एक अलग प्रकार, जैसे मैंने बताया आपको, पूरा वो बुक करा रहे हैं, पिक्चर हॉल बुक करा रहे हैं, होटल बुक करा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बुक करा रहे हैं, वहाँ 500-500 आदमी को खाना चल रहा है। तो ये जो परंपराएं हैं ये परंपराएं ठीक नहीं है, और निश्चित तौर के ऊपर इन चीज़ों को रोके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये चीज़ चली जी। मैं आपको बताऊं, मैं मेरा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने जब विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मेरे पिताजी तो केवल एक साधारण टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थे जी। अब मेरे जैसा बच्चा चुनाव लड़ने की सोचे आज के परिप्रेक्ष्य में तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते जी। तो इसीलिए राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा कि हम इन चुनाव लिंगदो कमेटी की बुराई जो बुरी जो नियम है, बुरे नियम है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये धनबल के आधार पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है इसको रोका जाए। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, जो अपने इस चर्चा में अभी तक आई नहीं जी, वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बहुत जहरीला एक नई चीज और निकली है, वो है जातिवाद जी। और मैं कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोगों का समूह है जहां है, छात्र हैं, तो यानी स्वाभाविक रूप से सब ज्यादा पढ़ने लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वहां पर जब जातिवाद का जिस प्रकार का नंगा नाच देखते हैं जी, पूरी तरह से जाति के ऊपर निर्भर चुनाव होने लगा है ये, तो वो एक परिदृश्य ठीक नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह कि 1991 में 92 की बात होगी,
जब प्रणविंदर शर्मा विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और हम भी पदाधिकारी थे और छात्र जो हमारा संगठन था विद्यार्थी परिषद उनके हम पदाधिकारी के रूप के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर काम करते थे और मंडल आयोग का एक आंदोलन चला जी। और उसके खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों ने मूवमेंट चलाया और निशांत भारद्वाज करके एक लड़का था उसने आत्मदाह कर लिया विश्वविद्यालय के छात्र गेट के ऊपर। उसको लेकर के पूरे जयपुर शहर के अंदर जनता कर्फ्यू लग कर के और बड़ा भारी एक माहौल ऐसा हो गया कि आम जनता का निकलना घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। उस समय मेरे को अच्छी तरह ध्यान है कि यहाँ के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने हम लोगों को बुलाया और विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे उनको बुलाया और कहा भाई ये आंदोलन अगर चला तो समाज तो टूटेगा ही और आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है। तो हमने वहाँ पर प्रयत्न करके जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर सब तरह के जातियों के जो लोग थे उनको जाकर के हमने बात कही, लोगों ने हमारी बात सुनी और जो जिस प्रकार का माहौल मारकाट का और एक दूसरे से वैमनस्यता का जो माहौल था वो माहौल खत्म हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जाति के आधार को लेकर के जो चुनाव लड़े जा रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर तो उससे यह होगा कि वो जो जाति का व्यक्ति है कि जिस भी जाति का व्यक्ति है वो व्यक्ति में योग्यता है या नहीं है, उसने छात्रों के लिए काम किया है या नहीं किया है, पर केवल जाति के दम पर वो चुनाव जीत के आ रहा है तो वो एक कुशल और सक्षम छात्र नेता तो उभर के नहीं आएगा। इस जाति के जहर को और धनबल के जहर को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितेंद्र जी, आपको लगता है कि जो बड़ी राजनीतिक दल हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो छात्र संघ चुनाव में काफ़ी बड़े मायने पर इन्वॉल्व रहती हैं, क्या उनको अपने जो छात्र संगठन हैं उनको कोई सीख देनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए शुरू से एक आंदोलन जब हम करते थे तो एक आंदोलन के रूप के अंदर हम नारा देते थे कि राजनीति के पंजे से शिक्षा को आज़ाद करो, ये एक हमने नारा दिया और इसके ऊपर पूरा मूवमेंट चलाया। मेरा ये मानना है कि छात्रों के अंदर राजनीतिक विचारधारा का के रूप में परिपक्वता होनी तो आवश्यक है परंतु राजनीतिक दलों का भी धर्म है ये कि राजनीतिक दलों को सीधे तौर के ऊपर विश्वविद्यालय के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे याद है अच्छी तरह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मैं हमने खुद ने आंदोलन किए सरकार के खिलाफ और हम जेल गए तो क्योंकि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। जब राजनीतिक दल का सीधा सीधा संबंध हो जाता है, हाँ विचार परिवार एक हो सकता है, विचारधारा के हम NSUI हो या BJP हो विचारधारा के रूप में हम किसी भी हो सकता है परंतु राजनीतिक दलों लोगों का सीधा, अभी मेरे को ये ध्यान है कि ये जो वर्तमान में जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया और अखबार में भी उनका आया कि NSUI के लोगों को विजय बनाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे BJP के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो सीधे तौर के ऊपर विश्वविद्यालयों के अंदर उनका हस्तक्षेप करने से छात्रों की जिम्मेदारी होती है ये कि छात्र ऐसे छात्र नेताओं का बायकॉट करे, उनको चाहे चुनाव में हराए चाहे वो कितना भी वो हो उनको हरावे जिनके समर्थन में राजनीतिक दलों के लोगों ने सीधा सीधा हस्तक्षेप किया है और अखबारों में या चैनलों में या सोशल मीडिया पे इस बात का प्रचार किया है कि साहब फलाने व्यक्ति को आप जिताएं। अगर वो कोई करता है तो छात्रों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि केवल छात्रों के नेताओं के ऊपर ही भरोसा नहीं रह सकते हम, छात्रों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन छात्र नेता ऐसा है जो जाति के आधार पर केवल जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है जी, कौन छात्र नेता ऐसा है जो कमाई उसकी खुद की कुछ भी नहीं होगी पर इतना भारी पैसा खर्च कर रहा है, ये कहां से ला रहा है, ये व्यक्ति हमारा भला कर सकता है, नहीं कर सकता। इस प्रकार का निर्णय छात्रों को भी करना पड़ेगा और अपना वोट देते समय जिस प्रकार से हम आपने स्टार्ट किया इस कार्यक्रम को तो एक बात कही कि क्या ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो छात्र नेताओं के लिए अगर ये पहली सीढ़ी है उसी प्रकार से वोटर्स के लिए भी पहली सीढ़ी है ये लोकतंत्र में। जिस प्रकार से हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय हम ये कहते हैं कि हम अपने मुद्दे ये हैं और हम इस प्रकार के अच्छे राजनीतिक दल हैं, उसी प्रकार से छात्र नेताओं के लिए भी छात्रों को चाहे वो 15 साल की उम्र हो चाहे 16 साल की उम्र हो, विधानसभा चुनाव में वोट देगा बाद में वो, पर पहले वो यूनिवर्सिटी के अंदर वोट देते समय वो विचार करेगा कि मुझे जाति के से ऊपर उठ करके वोट देना है, मुझे धनबल का प्रयोग करने वाले लोगों का बायकॉट करना है, इस प्रकार की सोच रख करके अगर वो वोट देगा तो निश्चित तौर के ऊपर आने वाले समय में छात्र नेतृत्व बहुत अच्छे रूप में उभर के आएगा जी।
जितेंद्र जी, छात्र संघ चुनाव में अक्सर देखने को आता है कि शहर की खूबसूरती का ध्यान नहीं रखा जाता, यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इस बारे में आप जो यूथ हैं, नए बच्चे जो कॉलेज में आ रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है, यूथ का चुनाव है, इससे देश की 65% आबादी युवा है। और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा कोई देश है तो भारतवर्ष है। तो यहाँ पर उत्साह होना, चुनाव के अंदर एक उत्साहपूर्ण माहौल होना और ढोल नगाड़े बजाते हुए बड़ा उत्साहपूर्वक एक त्यौहार के रूप के अंदर, एक आंदोलन के रूप के अंदर इस छात्र संघ चुनाव को लड़ा जाए, वहाँ तक तो ठीक है। परंतु चाहे स्वच्छता वाली बात हो और चाहे यातायात के नियमों की वाली बात हो, इस प्रकार के जो कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो निश्चित तौर के ऊपर परिवर्तन करना चाहिए। हमको चुनाव प्रचार में प्रचार पे ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। हमको पंपलेट के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से हमको गंदगी फैलाई नहीं पड़ेगी। अगर हम पूरे साल हम छात्र कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में और कॉलेजेस के कैंपस में अगर सक्रिय रहेंगे, पूरे साल तक अगर हम छात्रों के बीच में रह करके काम करेंगे, तो हमको इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इस प्रकार का हम मूवमेंट लेकर के हम सब छात्रों को ये एक संदेश देना चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं, करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अच्छा छात्र नेतृत्व उभर के आवे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। जी जितेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, छात्र राजनीति से जुड़े गंभीर मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।